हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में भाजपा सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, अगर सरकार को गिराया जाए तो हम सरकार गिराने में कांग्रेस को बाहर से समर्थन करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 3 विधायकों के समर्थन वापस लेने से प्रदेश की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। सीएम नायब सिंह सैनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उन्हें बहुमत पेश करना चाहिए। राज्यपाल से लिखित में आग्रह करेंगे कि 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, 3 समर्थन वापस ले चुके हैं, सरकार के पास 5 विधायक कम हो चुके हैं। ऐसे में राज्यपाल सरकार को बहुमत परीक्षा पास करने को कहे। नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूँगा कि आज के गणित के हिसाब से कदम उठाया जाए तो हम चुनाव के दौरान ही सरकार को गिराने में सहयोग देने पर पूरी तरह से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि जेजेपी के टिकट पर चुनकर आए सभी विधायकों को विहिप के अनुसार वोट देने होंगे। हमने 3 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है, अभी तक उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधि का रिकॉर्ड हमारे पास है, हमारे पास 3 विधायकों की वीडियो रिकॉर्डिंग और पोस्टर है। मीडिया के पूछने पर भी दुष्यंत चौटाला ने इन विधायकों का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ हमारे पास भी रहने दो। बताया जा रहा है कि जोगी राम सिहाड़, राम निवास सोजाखेड़ा और देवेंद्र बाबली को नोटिस जारी किए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले हम 3 विधायकों पर कार्रवाई कर देंगे। नियम के मुताबिक पहले विधायक को नोटिस जारी कर जवाब लेना होता है।